हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज होगी, बोले सीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। हम लोग चाहते हैं कि अधिक शिक्षकों की बहाली हो। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद नई शिक्षा नीति से संबंधित पूछे गए सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों के मुताबिक काम चल रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को दिया गया है। अगर कोई नया नियम केंद्र सरकार बनाती है तो फिर उस पर आगे काम होगा। अभी तो हम लोग ठीक से पढ़ाई हो, शिक्षक की बहाली पंचायत और निकाय ठीक से करे इसको देख रहे हैं। सही बहाली हो रही है या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ठीक ढंग से बहाली हो। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ दिशा निर्देश देने से नहीं होगा, केंद्र को कानून भी बदलना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अपनी बात भेज दी। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग यहाँ पर पहले से इसे किए हुए हैं। जिन भाषाओं को केंद्र सरकार से मान्यता मिली हुई है, हम लोग जब केंद्र सरकार में थे उसी समय कई भाषाओं को मान्यता मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे रेलवे से संबंधित एक कार्यक्रम में आए हुए थे, तो वहीं पर लोगों ने इसको लेकर मांग की थी, जिसे अटल जी ने भी स्वीकार किया। कई भाषाओं को केंद्र सरकार से ही मंजूरी मिली हुई है, जिन भाषाओं को मान्यता नहीं मिली हुई है उसको लेकर भी केंद्र सरकार से आग्रह किया जाता है ताकि उनको भी मान्यता मिल जाए।